हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ है जो वो आपसे कह देना चाहती हैं या कह देना चाहते हैं। रीडिंग में मैं उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं, जो ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आपसे चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचा दूँगी। सो अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको इमेजिन कीजिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी मुझे पिक होगी, मैं आप तक उनके मैसेजेस पहुंचा पाऊंगी उतने ही डीपली। सो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें मेरी सोल फैमिली, मेरे व्यूअर्स जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, उनके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त, क्या कुछ है जो वो आपसे कह देना चाहती हैं या कह देना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे। कार्ड्स दिख रहे हैं आपको? हाँ दिख रहे हैं। और कोई कार्ड आना चाहता है? ठीक है, एक कार्ड और आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ कप्स। थोड़ा सा इधर कर देती हूँ और अच्छे से दिखेंगे आपको कार्ड्स। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों की पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनका सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज तो यही है कि ये अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हो सकता है कि क्योंकि इनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने नहीं आता, तो ये खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, बट ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक हो चुके हैं। मतलब एक होती ना ब्रोक डाउन वाली एनर्जी, कि इंसान बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर टूट रहा है, बट ये किसी से बोल नहीं सकता या बोल नहीं सकती, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। या तो इनको लाइफ में इनके अपनों से धोखा मिला है, या तो इन्होंने जिन पर बिलीव किया था उनसे धोखा मिला है, या किसी का दिल तोड़े हैं जिसकी वजह से ये खुद भी हर्ट हैं। ऐसा नहीं है कि, देखिए इंसान कई बार किसी का दिल तोड़ता है, बट उसको कहीं ना कहीं एहसास तो होता है। अगर वो पत्थर का नहीं है तो उसे ये एहसास थोड़ा बहुत तो ज़रूर होता है कि मैंने गलत किया है। एक वो भावना ज़रूर रहती है कि मैंने गलत किया है। तो इनका दिल दुख रहा है, रीज़न चाहे जो भी हो, तो ये इस एनर्जी को बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है इनके काम बहुत ज़्यादा हों, वर्कहोलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, 24 घंटे इनके काम ही चालू हैं, इनके पास और कोई भी वक्त नहीं है कि ये सोच सकें, ये चाहें भी तो नहीं सोच पा रहे हैं। तो इनका मैसेज है कि यार मुझे कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलता। हो सकता है ये डायरेक्टली आपको मुंह पे ना बोलें कि आप बुरा मान जाओगे, बट ये फैक्ट है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन वर्कहोलिक किस्म के पर्सन हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या फिर इनके ऊपर फैमिली की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, इतना ज़्यादा बर्डन है, या तो इन्होंने लोन लिया हुआ है, या तो कोई ना कोई बैगेज है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इनका सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके बाद प्यार मोहब्बत। थर्ड जो एनर्जी है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन किसी न किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। मतलब या तो हो सकता है कि इनके फैमिली ने इनकी शादी ज़बरदस्ती करा दी हो, या तो इनकी लाइफ में ये पहले जब आपसे मिले तभी ये शादीशुदा रही हो या रहे हों, तो ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। प्यार तो हो गया, बट अब इनको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कहूँ कि मैं इस सिचुएशन से नहीं निकल पा रही या नहीं निकल पा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर डिस्टर्ब हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहेंगे या मेरे साथ रहेंगे, मुझे धोखा तो नहीं दे रहे थर्ड पार्टी के चक्कर में। थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी फैमिली हो, या अगर ये मैरिड हैं तो इनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो या बच्चे हो, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे ये प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी इनका मैसेज है आपके लिए कि आपको ऐसा ज़रूर लग रहा होगा कि ये आपको धोखा दे रहे हैं या आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा है नहीं। ये चाहते तो आपको हैं बट कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और इस चीज़ का इनको रियलाइजेशन है।
नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि उनकी मदर नहीं मान रही हैं, हो सकता है कुंडली का कोई चक्कर हो, कुंडली मिलान, मंगल दोष, फलाना दोष, ठिकाना दोष, कोई ना कोई दोष जो कि पहले तो प्यार करते टाइम ये सारे दोष नहीं थे, अचानक से आ गए, तो ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। क्योंकि वी हैव गॉट एम्प्रेस, एम्प्रेस मीन्स फर्टिलिटी, तो यहाँ पर डेफिनेटली मदर इशूज़ हो सकते हैं काफ़ी लोगों के पर्सन को, जो आपको खुलकर नहीं बता रहे हैं बट अंदर अंदर इनको ये चीज़ें पता हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये आपसे जताते भले ना हो बट ये आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं, मींस कि आप एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ बनने के काबिल हो और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपकी जो बचकानी कुछ हैबिट्स हैं, जैसे आप थोड़ा सा चुलबुले किस्म के हो सकते हो, फन लविंग हो सकते हो, इन्हें हंसाना, इन्हें इनकी केयर करना, इन्हें ये चीज़ें आपकी बहुत याद आती हैं, स्पेशली अगर ये नो कॉन्टैक्ट में है तो। लास्ट यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनके कर्मज इनको फेस करने ही हैं, हो सकता है कि आपके साथ इनको एक डेस्टिनी वाला कनेक्शन फील होता हो, डेस्टाइन कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, लेकिन ये फिर भी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर एक प्रॉपर डिसीजन लेंगे, तो ये चीज़ें इनको पता है, चाहे आपसे बात कर रहे हों या नो कॉन्टैक्ट में हों, बट ये चीज़ें ये सप्रेस्ड हैं, ये कभी खुलकर आपसे बोलते नहीं हैं कि आप टेंशन लेने लगोगे। तो ये कुछ मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं जो आप तक पहुँचने ज़रूरी थे। जो भी मैसेज आपको लगेगा कि आपके लिए हो सकता है उसको रखिएगा, जो मैसेज आपके लिए नहीं है उसको जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।